पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पीएम मोदी ने दी स्वागत। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे पर दिखा एयर शो, हरक्यूलिस से लौटे दिल्ली। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद बिहार में शुरू हुई सियासत, चुराग में सीएम नीतीश पर साधा निशाना। राजधानी पटना में शराबबंदी पर 7 घंटे तक चली सीएम की समीक्षा बैठक, बैठक के बाद डीजीपी ने दी जानकारी, अब अधिकारियों पर गिरेगी गाज। लखीसराय की सड़क दुर्घटना में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के 5 रिश्तेदारों की मौत, घटना के बाद राजनीति तेज, सीबीआई जांच की मांग। समीक्षा के दौरान भी बिहार पुलिस दिखी सख्त, नशे की हालत में वैशाली में अधिकारी गिरफ्तार, तो पटना सिटी में कार्रवाई के दौरान 6 पकड़ाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं इस एक्सप्रेसवे शुरू होने के साथ अब दिल्ली से बिहार की दूरी भी नजदीक हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के लिए सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस से पहुंचे, आपको बता दें कि, और उन्होंने हरक्यूलिस से पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं उद्घाटन के बाद भारतीय सेना के विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग की और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के सामने मालवाहक विमान AN-32 हरक्यूलिस, मिराज 2000 और जगुआर ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। वहीं सुखोई 30 विमानों ने हवा में करतब दिखाए। साथ ही कार्यक्रम में समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में पीएम के स्वागत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं, जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। भाइयों बहनों, इनके शोर से दूर, सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म गंगा है। और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुभलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूर्वांचल को मिले एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि बिहारियों को ऐसी सड़क नसीब हो, इसके लिए आखिर आपको और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए। उन्होंने पीएमओ और UPCMO को इतनी शानदार एक्सप्रेसवे के लिए धन्यवाद दिया है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार के लोग भी दिल्ली से बिहार की सीमा तक तुरंत पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके आगे बिहार में ऐसी सड़क क्यों नहीं है, बिहारियों को ऐसी सड़कें नसीब हो, इसके लिए नीतीश जी आपको और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए। बिहार में कई घटनाओं के बाद जागे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लगभग 5 साल बाद मंगलवार को 7 घंटों तक शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा के दौरान कई सख्त निर्देश भी दिए, जिसकी जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और DGP SK सिंघल ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि शराब मिलने पर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा, शराब मिलने की जानकारी चौकीदार ने नहीं दी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और इसके साथ ही होम डिलीवरी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत होने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ ही जन जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मद्य निषेध नशा मुक्ति के संबंध में विशेष बैठक जिसमें सभी मंत्रीगण, सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रभारी सचिवगण और जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, आईजीज, डीआईजीज, डिविजनल कमिश्नर्स, और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गियर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है, लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी जिले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। मुख्यालय लेवल पर हर अल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक जमीन पे उतर रही हैं, और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में जमीन। और वहीं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो दूसरी ओर सीएम की समीक्षा बैठक पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, शराबबंदी के पांचवें साल के बाद वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के बाद बिहार के लोगों को क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि अब बिहार में शराब नहीं बिकेगा? क्या मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के बाद लोगों को बता पाएंगे कि बिहार में हत्याएं रुक जाएंगी? क्या मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को समीक्षा बैठक के बाद बता पाएंगे कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो पाएगा? लेकिन दारू माफिया के साथ ही तो सरकार खड़ी है कि मंत्री के भाई के यहाँ शराब के खेप पकड़े जाते हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, हत्या में मंत्री का नाम आता है, वो मंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठे होते हैं, तो जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए उस सरकार से उम्मीद क्या है? और लखीसराय जिले में मंगलवार को सिकंदरा शेखपुरा एनएच 333 पर हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास ट्रक और सुमो गोल्ड SUV वाहन की जबरदस्त भीषण टक्कर हुई जिसमें सुमो पर सवार चालक सहित एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वाले सभी बॉलीवुड फिल्म के दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार हैं। वहीं इस घटना के बाद से अब सियासत तेज हो गई है जिसको लेकर लोजपा रामविलास ने CBI जांच की मांग की है। बिहार के लाल बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके अभिनेता श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ जो आज घटना घटा, उनके बहनोई ADG जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनके गाड़ी को ट्रक के माध्यम से धक्का मरवाया गया, चापा पड़वाया गया जिसमें उनकी मौत हो गई, साथ साथ उनके परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये पूरी घटना षड्यंत्र के तहत रची गई है और इसमें
कई बड़े लोगों की हाथ हो सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी उस पूरी गुत्थी को सुलझाने में इनकी अहम भूमिका थी, और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royal Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकर, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैक से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी ना हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोहतास की। रोहतास जिले में शराब के मामले उजागर होने के बाद रोहतास एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया गया है, तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी सख्ती दिखी है। साथ ही जगह जगह चेकिंग अभियान में भी तेजी लाई गई है और इसको लेकर रोहतास के दिनारा क्षेत्र के नटवार बाजार में भी चेकिंग अभियान लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की गई। शराबबंदी समीक्षा बैठक के बाद अब हर जिले में इसका असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हर जगह जो पुलिस है और नाकेबंदी करके हर जगह गतिविधियों पर या वाहनों की जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए यहाँ चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के नटवार में और नटवार थाना की जो पुलिस है यहाँ गहन चेकिंग अभियान लगाई हुई है। जितने भी बाइकर्स हैं, जो बाइक चालक हैं या फोर व्हीलर चालक हैं, वो जा रहे हैं, उनके गाड़ियों का गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है उसको भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मंगलवार को एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर बड़ी बैठक की, तो दूसरी ओर उनके ही अधिकारी शराब के प्याले छलकाते नजर आए। वैशाली के सहदेव बुजुर्ग प्रखंड से ये मामला सामने आया है। मामले में महनार के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के महनार प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहदेव बुजुर्ग प्रखंड से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने में जुटी हुई है। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का है, जहां से पुलिस ने 6 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आलमगंज इलाके के डोमखाना समेत अन्य जगहों से भारी मात्रा में देसी शराब और रुपयों के साथ 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वहीं गायघाट पुल से कार में छिपाकर अंग्रेजी शराब की डिलीवरी देने जा रहे 2 शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा ली है। हाँ, देसी शराब के विरुद्ध छापमारी किया गया था, तो ये लगभग 3 जगहों से 350 लीटर शराब बरामद की हुई है। ये डोमखाना से लगभग 185 लीटर और 43,130 रुपया लगभग बरामद हुआ है। बिहार के कई जिलों में हो रही शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रहा है और इसी कड़ी में पटना से आए उत्पाद विभाग की टीम ने मुंगेर के पौशलाको में शुमारकेला क्षेत्र में सदर एसडीपीओ के ऑफिस से सटे मुसहरी में छापेमारी की, जहां टीम ने कई लीटर देसी शराब बरामद किया। वहीं छापेमारी करने पहुंची एक्साइज इंस्पेक्टर इकराम उल हक ने बताया कि उत्पाद विभाग की 2 टीमें पटना से मुंगेर आई, किला स्थित मुसहरी में ये छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की गई। सहरसा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी से सुमन बबुआन गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। वहीं सालों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सुमन बबुआन पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 6 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि होम्योपैथी कॉलेज रोड कैलाशपुरी के पास अपराधी सुमन बबुआन अपने साथियों के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ था, जहां छापेमारी कर पुलिस ने एक बड़े आपराधिक वारदात को होने से रोका है। कई वर्षों से फरार सुमन बबुआन करके जो अपराध कर्मी है वो कैलाशपुरी में एक मास्टर के अर्धनिर्मित मकान में आया हुआ है, जहाँ उसके काफी साथी भी है और वो कुछ अपराध करने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एसडीपीओ सदर और सदर थाना के थानाध्यक्ष और जिला सूचना इकाई के मेंबर्स थे। वहाँ पे सुमन बबुआन तो पुलिस को देख करके फरार होने में सफल रहा, लेकिन उसके 6 साथी वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन सबके ऊपर आपराधिक इतिहास है। उनके पास से 4 देसी कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं और साथ में एक मोटरसाइकिल।
नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के पास ट्रैक्टर चालक का अपहरण कर बालू लदे ट्रैक्टर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर डीएसपी शिबली नोमानी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। घटना में प्रयुक्त तो 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल सेट को बरामद कर कांड का खुलासा किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी लगातार जारी है। 13 नवम्बर को लगभग 8:30 बजे शाम में एक बालू लदे ट्रैक्टर को अपराध कर्मियों के द्वारा पहले उसे झांसा में लिया गया कि मुझे बालू गिराना है। अपराध कर्मियों ने बताया कि मैं थाना अध्यक्ष जो दीपनगर हैं उन्हीं का बालू गिराना है, तो जो गाड़ी मालिक हैं उसके झांसे में आ गए। अपराध कर्मियों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं 24 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। जो घटना में लूटे गए ट्रैक्टर का डाला की बरामदगी हुई है, कुल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और बक्सर में सैनिक संघ की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मंच संचालन जिला महासचिव सूबेदार ललन मिश्रा ने किया। जिले के सैकड़ों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैठक में सैनिकों को सोल्जर बोर्ड और ECHS में मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष चर्चा की गई। भारत माता की जय। राजीव रंजन साहब जिंदाबाद। राजीव रंजन साहब जिंदाबाद। सीडी अधिकारी राजीव रंजन साहब जिंदाबाद। बेतिया के मझौलिया में डोंगा में गन्ना डालकर वर्तमान पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। दरअसल मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में 60 क्विंटल गन्ना पेराई करने का लक्ष्य है। महागन्ना प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल कुल 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उत्तम प्रभेद के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं और रोगों से बचाव के लिए 25% अनुदान पर दवा उपलब्ध कराई जा रही है। किसान खुशहाल रहेंगे तो फैक्ट्री भी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। खगड़िया जिले में कृषि विभाग ने नकली खाद से भरा ट्रक जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जिला कृषि कार्यालय के पीछे गोदाम में जिला कृषि पदाधिकारी ने छापेमारी कर 840 बोरा नकली खाद जब्त किया। वहीं ट्रक से चालक सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक ट्रक से माल उतर रहा है जो देखने में है, जो उसमें जो माल है जो DAP है, लेकिन DAP सा लगता है। बायो फर्टिलाइजर अन फर्टिलाइजर के नाम से पैकिंग का बहुत से खाली बोरा है जो मिला। पैकिंग का मशीन भी मिला और वेइंग मशीन भी मिला, और अंदर जब गोदाम में देखा गया तो बहुत अधिक मात्रा में है जो DAP टाइप का है, जो प्रोडक्ट है जो बोरा में है जो मिला है। MOP जैसा प्रोडक्ट भी मिला है और पैकिंग का सभी सामान बोरा सहित पाया गया है। इसके बाद हम आकर के खुद इसको देखें। मंगलवार को ज्ञान और मोक्ष की भूमि बोधगया महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति की विशेष प्रार्थना की और बौद्ध मठों के बौद्ध गुरुओं ने विश्व शांति की उद्घोष किया। महाबोधि मंदिर में आयोजित विशेष पूजा में विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु ने शामिल होकर देश दुनिया की खुशहाली के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पहले महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में बुद्ध के विशेष पूजा करने के बाद बोधि पेड़ के नीचे उनका पूजन किया गया और इसके बाद पृथ्वी के सभी जीवों के कल्याण और सबकी मंगल कामना की भगवान बुद्ध से आशीष मांगी गई। इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हम।